फोटो वाला तो होगा, बस काम को तो काम है, तो मोबाइल फोटो ले जाए तो थोड़ी बनी रहेगी। अरे मत जी, यहाँ से ये यहाँ से हैं हमारे पवित्र स्थान है। आप लोग हमें स्वागत करें और हमारे यहाँ का स्वागत करें। आप हमारे बुंदेलखंड से हैं और वो कार विशेष विशेष मेहमान विधायक जी, मीडिया हाउस के शुभारंभ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मीडिया हाउस के इस शुभारंभ पर। माता दी हमारे राजेंद्र उस पावन भूमि में विराजमान माँ सरस्वती के चरणों में आशीष स्नान करते हुए हमेशा अनुभवी एवं हमारे हमीरपुर से आए अपर जिलाधिकारी महोदय कुंज बिहारी से हमारे सीओ साहब एसडीएम साहब हमारे राज्य के अंदर इस पावन भूमि में विराजमान माँ सरस्वती के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए यहाँ पर मंचा सिंह राज विधायिका मनीषा अनुरागी जी एवं राज में मीडिया हाउस के शुभारंभ के अवसर पर हमारे राज नगर में उपस्थित पूरे सरकार के मंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनोहर लाल पंथी जी मंच पर उपस्थित एडीएम साहब बिहारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अमर सिंह बाबा जी के जी अग्रवाल जी एलडीएम सुरेश ऋषा जी और सीओ अभिषेक यादव जी हमारे राजनगर के मंडल अध्यक्ष मंडल विश्व वर्मा जी के जी अग्रवाल जी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सतराम राजपूत जी और यहाँ क्योंकि ये मीडिया हाउस का शुभारंभ है यहाँ पर हुआ है तो सबसे पहले तो मैं मीडिया हाउस बधाई देती हूँ इस मीडिया हाउस के शुभारंभ के अवसर पर। आप सभी लोगों की मेहनत के कारण आज इस हाउस का शुभारंभ हो सका है क्योंकि पिछली बार भी एक डेट तय हुई थी लेकिन किसी वजह से किसी व्यस्तता के कारण इसका शुभारंभ नहीं हो सका और आज आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। चलो मजदूरों की धरती पर आंसुओं से लहराए और शहीदों की समाधि पर धीरे धीरे जलाए जिसने कटी गोलियां मांगी बदली युग की धारा इतनी अच्छी शुरुआत करें। एक भाई और एक महामित्र आज हमारी बीच में उपस्थित नाथ गोभाई का माननीय मनीषा जी अनुरागी मैं इसका उदाहरण आज दे सकता हूँ।
तो हमारा मीडिया पूरे समाज को ये दिखाता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। मैं मन से कह सकता हूँ कि समाज की 80% है जो जनसंख्या है वो मीडिया के माध्यम से ही जो जानती है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं केवल आप लोगों से इतना अनुरोध करूँगा कि पॉजिटिव न्यूज भी निकालने का प्रयास करें। ऐसी संक्राम सिंह राठौर योगेश जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो योगेश जी, राहुल निगम मंत्री जी, आज मीडिया हाउस के उद्घाटन में आप आए हैं, कैसा प्रोग्राम रहा और क्या आपने संदेश दिया है? देखिए, मीडिया का प्रोग्राम रहता है तो अच्छा ही रहा है और मुझे बुलाया गया सा सम्मान से। आप लोगों ने जो सम्मान दिया इसको मैं जीवन में नहीं भूलूँगा। और मीडिया में हमारे उस समय भी जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी के रूप में मीडिया का कार्य करते थे और देश को आज़ाद कराया, और ये मीडिया की कृपा से आज देश स्वतंत्रता के अनुसार चल रहा है। और इतना बढ़िया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी योजनाएं आप लोगों को मिल रही हैं पूरे देश में और प्रदेश में कि मीडिया के ही द्वारा और मीडिया के ही कलम से इस देश को मालूम चलता है। कार्यक्रम जो आज किया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया विभाग की तरफ से मैं भी खुश हूँ और मेरी मीडिया विभाग भी खुश रहे और अच्छा काम करती रहे इस बात से मैं बहुत मीडिया की तरफ से आभार आपको धन्यवाद। मंत्री जी एक और निवेदन, मीडिया के ही द्वारा और मीडिया के कलम से इस देश को मालूम चलता है। कार्यक्रम जो आज किया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को मीडिया विभाग की तरफ से मैं भी खुश हूँ और मेरे मीडिया विभाग में खुश रहे और अच्छा काम करते रहे। उद्घाटन कार्यक्रम चालू होने वाला है, हाँ इसका पास हो चुकी है। हाँ वो आए थे, क्या हुआ था कि पास तो हो गई थी लेकिन इसका बजट नहीं आ पाया था नाबार्ड से, लेकिन अब दोबारा में बजट आ गया, अब फिर इसका टेंडर हो जाएगा। हमने बात की थी मंत्री जी, नाबार्ड के तहत हमारी बात हुई थी, हम तो अभी जब गए थे ना लखनऊ शायद एक हफ्ते पहले, तब मंत्री जी से बात की। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।